नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन बैच की डेमो क्लास 2 में। एक डेमो क्लास मैं कल ही दे चुका हूँ जिसमें हमने विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को डिस्कस किया था, और आज ऑनलाइन बैच की डेमो क्लास 2 है। इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर के वर्क्स के बारे में बात करेंगे कि विलियम शेक्सपियर ने अपनी लाइफ में क्या क्या लिखा। हम उसको पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या लिखा। मैं आपको कोशिश करूंगा कि बहुत सारी चीजें आपकी नॉलेज में आ जाएं। उनको बिल्कुल डिटेल में स्टडी तो नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने 37 प्लेस जैसे लिखे हैं, उनकी वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको ज्यादा से ज्यादा विलियम शेक्सपियर के वर्क के बारे में जानकारी मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की हमारा लेक्चर। विलियम शेक्सपियर ने अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छी, बहुत ही उम्दा किस्म की सोनेट्स लिखी, कुछ पोएम्स भी लिखी इन्होंने और प्लेज लिखे। दोस्तों, इनकी सोनेट्स के बारे में कहा जाता है, विलियम शेक्सपियर ने अपने सोनेट्स को प्राइवेट डायरी में लिखा था। वो ये सोनेट्स किसी को दिखाते नहीं थे, किसी से भी नहीं चाहते थे वो शेयर करना ये सोनेट्स अपनी, कि इन सोनेट्स को कोई देखे भी। लेकिन इन्हें बाद में पब्लिश करा दिया गया था थॉमस थोर्प के द्वारा। आइए इन्हें थोड़ा डिटेल में हम पढ़ते हैं। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी थी। विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी थी जो पब्लिश कराई गई थी थॉमस थोर्प के द्वारा 20 मई 1609 को। विलियम शेक्सपियर का काउंट याद रखना, विलियम शेक्सपियर ने कितनी सोनेट्स लिखी थी, 154, क्योंकि ये चीजें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। या फिर किसने पब्लिश कराई थी या फिर कब पब्लिश कराई थी, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। एक तो इसकी नंबर ऑफ सोनेट्स कितनी थी एंड द पब्लिकेशन डेट या ईयर एंड हु गॉट देम पब्लिश्ड। तो ऐसा है कि किसने पब्लिश कराई थी, कितनी नंबर ऑफ सोनेट्स थी और कब कराई गई थी, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों, सोनेट क्या है? सोनेट एक 14 लाइन की पोयम होती है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। जब विलियम शेक्सपियर ने अपनी सोनेट्स को लिखना स्टार्ट किया था तो उससे पहले भी सोनेट्स लिखी जाती थी। उससे पहले कौन से फॉर्म में सोनेट्स लिखी जाती थी? इटेलियन फॉर्म की सोनेट्स होती थी। इटेलियन सोनेट जिन्हें कहा जाता था, पेट्रार्चन सोनेट जिन्हें कहा जाता था, वो सोनेट्स लिखी जाती थी। लेकिन विलियम शेक्सपियर ने उन सोनेट के जो फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया था, क्योंकि उसका फॉर्मेट जो था वो किस फॉर्म में लिखी जाती थी, उसमें दो स्टेंजा होते थे, पहला ऑक्टेव एंड दूसरा सेस्टेट। ऑक्टेव में 8 लाइनें होती थी एंड सेस्टेट में 6 लाइनें होती थी। दोस्तों, उसमें सिर्फ दो ही स्टेंजा होते थे, लेकिन विलियम शेक्सपियर ने इटेलियन सोनेट के फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया, इन्होंने एक अपना ही फॉर्मेट बनाया। तो दोस्तों, इन्होंने विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स का फॉर्मेट क्या था, इनकी सोनेट में जो शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता था, जो सोनेट्स विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी, उनको विलियम शेक्सपियर के नाम से ही जाना जाता था। वो शेक्सपियरियन सोनेट या फिर इंग्लिश सोनेट्स के नाम से फेमस हुई थी। इसके अंदर 3 क्वाट्रेन्स एंड एक कपलेट होता था। दोस्तों, क्वाट्रेन एक 4 लाइन का स्टेंजा होता है और कपलेट में 2 लाइन्स होती हैं, तो 14 लाइन होती थी एक सोनेट के अंदर। विलियम शेक्सपियर ने अपना ही फॉर्मेट सेट कर दिया था जब इन्होंने सोनेट्स लिखनी स्टार्ट की थी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। विलियम शेक्सपियर ने इटालियन सोनेट को फॉलो ना करते हुए उन्होंने अपना ही एक फॉर्मेट सेट कर दिया था, राइट? क्वाट्रेन मैंने जैसा कि आपको बताया कि 4 लाइन का स्टेंजा होता है, कपलेट के अंदर 2 लाइन्स होती हैं, ये आपको पता चल गया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने अभी तक आपको सोनेट्स के बारे में दी है विलियम शेक्सपियर के। अब बात करते हैं राइमिंग स्कीम की और इनके डेडिकेशंस की, कि किसको डेडिकेट थी ये पोयम, ये सोनेट्स विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई। इनकी राइमिंग स्कीम क्या थी? जब विलियम शेक्सपियर ने सोनेट लिखी और इनका स्टेंजा फॉर्म अलग कर दिया इटेलियन स्टेंजा से, यानी कि इटेलियन फॉर्मेट से इन्होंने अपना ही एक फॉर्मेट अलग सेट किया, तो ऑफ कोर्स इसकी राइमिंग स्कीम भी अलग ही होगी, ठीक है? तो आइए इसको पढ़ते हैं। द राइमिंग स्कीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट इज ए बी
ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ एंड जी जी जो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई सोनेट्स थी उनकी राइमिंग स्कीम भी दोस्तों थोड़ी अलग थी। वो तीन क्वाड्रेन होते थे उसमें और एक कपलेट होता था, तो उनकी राइमिंग स्कीम मैंने आपको बता दी है दोस्तों, याद रखना उसकी राइमिंग स्कीम ये है ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ एंड जी जी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके डेडिकेशंस की कि ये किसको डेडिकेट थी। शेक्सपियर की सोनेट 154 थी, उनमें से एक नंबर से लेके 126 तक किसको डेडिकेट थी, हेनरी विलियम हर्बर्ट को, डब्ल्यू एच, उनको कहा जाता है डब्ल्यू एच नाम से, मिस्टर डब्ल्यू एच के नाम से वो फेमस थे, उनका नाम है विलियम हर्बर्ट। शेक्सपियर सोनेट 127 से 152 तक किसको डेडिकेट थी, डार्क लेडी को, जिनको मैरी फिटोन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इनके डेडिकेशंस को याद रखना, इनका डेडिकेशंस पूछ भी लिया जाता है कि फर्स्ट वन से लेके 126 तक जो विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स थी वो किसको डेडिकेट थी, या फिर डार्क लेडी को कितनी सोनेट्स थी जो उनको डेडिकेट थी। इसके अलावा दो सोनेट्स और हैं जो लास्ट की दो सोनेट हैं, सोनेट नंबर 153 एंड 154, ये किसको डेडिकेट थी, लव गॉड कुपीड को। अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की दोस्तों। विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी थे। इनकी सोनेट्स की राइमिंग स्कीम जो थी वो फिक्स थी, लेकिन इनकी कुछ सोनेट्स ऐसी हैं जिनमें कुछ एक्सेप्शंस हमें मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोनेट एक 14 लाइन की पोएम होती है, लेकिन मैं आपको जो एक्सेप्शन बताने जा रहा हूँ उसमें कुछ अलग ही हमें देखने के लिए मिलेगा, इसलिए उनको जानना हमें जरूरी है कि ऐसे क्या एक्सेप्शंस हैं जो विलियम शेक्सपियर ने अपनी सोनेट में दिए थे। सबसे पहला एक्सेप्शन है सोनेट नंबर 145 के अंदर, ये भी एक सोनेट है दोस्तों। ये जो सोनेट है आयाम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है दोस्तों। विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट्स हैं वो सारी की सारी आयाम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई हैं इसके अलावा, लेकिन सोनेट नंबर 145 एक ऐसी सोनेट है जो आयाम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है। तो पहला एक्सेप्शन ये हुआ। एक्सेप्शन नंबर टू है सोनेट नंबर 126 के अंदर, जिसमें विलियम शेक्सपियर की ना तो राइमिंग स्कीम कंफर्म होती है और ना ही ये सोनेट के फॉर्मेट में भी पाई जाती है, क्योंकि सोनेट के अंदर 14 लाइंस होती हैं, लेकिन सोनेट नंबर 126 के अंदर विलियम शेक्सपियर की सिर्फ और सिर्फ कितनी लाइंस पाई जाती हैं, 12 लाइंस पाई जाती हैं। और जब 12 लाइन है तो ऑफकोर्स इसकी राइमिंग स्कीम फिर से डिफरेंट होगी। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या है दोस्तों, इसकी राइमिंग स्कीम है ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई एंड एफ एफ। तो दोस्तों ये 12 लाइन की जो सोनेट है विलियम शेक्सपियर की 126, ये है एक्सेप्शन नंबर टू। मैंने आपको एक्सेप्शन नंबर टू भी बता दिया है, तो इसको आपको याद रखना है। बात करते हैं एक्सेप्शन नंबर थ्री की, सोनेट नंबर 99, जिसमें विलियम शेक्सपियर ने 14 लाइन की जगह पर 15 लाइन लिखी है और इसकी राइमिंग स्कीम भी थोड़ी अलग ही है। इसकी राइमिंग स्कीम है वो है ए बी ए बी ए सी डी सी डी ई एफ एंड जी जी। तो दोस्तों इसकी राइमिंग स्कीम भी थोड़ी अलग ही है, आपको ये तीनों एक्सेप्शन ध्यान रखने हैं। विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी, सोनेट एक 14 लाइन की पोएम होती है, उन 14 लाइन की पोएम में आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये एक्सेप्शंस याद रखने हैं, क्योंकि ये जो एक्सेप्शंस हैं सोनेट से कहीं भी मेल नहीं खाते हैं। ना तो सोनेट के अंदर 15 लाइन होती हैं लेकिन ये फिर भी सोनेट में काउंट होती है, और ना उसमें 12 लाइन होती हैं फिर भी सोनेट में ही काउंट होती है। सोनेट नंबर 126, 99 एंड 145 के अंदर हमें एक्सेप्शंस मिलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पॉपुलर पोएम्स बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा कुछ पोएम्स जो थी वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी। विलियम शेक्सपियर की जो फेमस पोएम्स आई थी वो 1593 और 1594 में आई थी।
क्यों आई थी? उस टाइम पे दोस्तों थिएटर जो थे वो बंद हो गए थे, क्योंकि वहां पे एक महामारी आ गई थी। जिस तरह से अभी कोरोना वायरस हमारा चला हुआ है, जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, वैसी ही बीमारी उस टाइम पे आ गई थी वहां पे भी। तो जो थिएटर थे उनको बंद करा दिया गया था। अब जब थिएटर बंद हो गए तो विलियम शेक्सपियर ने उसका फायदा उठाया। प्ले तो जब चल नहीं रहे थे, थिएटर में परफॉर्म किए नहीं जा रहे थे, तो विलियम शेक्सपियर ने क्या किया, कुछ पोएम्स लिख दी। उनमें से कुछ पोएम जो है बहुत ही फेमस हुई, जो नैरेटिव पोएम है, जैसे कि वीनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ लुक्रीस एंड ए लवर्स कंप्लेंट। ये तीनों पोएम्स जो हैं विलियम शेक्सपियर की बहुत ही ज्यादा फेमस पोएम हुई हैं। आइए दोस्तों हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वीनस एंड एडोनिस की। वीनस एंड एडोनिस विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। दोस्तों यहां से जो चीजें अंडरलाइन है, जैसे कि लॉन्ग नैरेटिव पोएम की मैंने बात की, ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम है वीनस एंड एडोनिस। एंड ये कब आई थी, 53 में, 1593 में आई थी। और ये किस तरह की पोएम थी, एक नैरेटिव पोएम थी। इस सोनेट का और इस पोएम का नाम क्या था, वीनस एंड एडोनिस। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि वीनस एंड एडोनिस एक नैरेटिव पोएम थी। कब आई थी, 1593 में आई थी। अब बात करते हैं इस पोएम के डेडिकेशन की। डेडिकेट किसको हुई थी, ये हेनरी रायदसली को। ये हेनरी रायदसली को दोस्तों डेडिकेट हुई थी। इट इज रिटन इन स्टेंजर्स ऑफ 6 लाइन ऑफ आयाम्बिक पेंटामीटर। ये पोएम वीनस एंड एडोनिस एक नैरेटिव पोएम थी जो आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई थी, और जिसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी सी सी, जिसकी राइमिंग स्कीम है ये। आपको ये याद रखना है, इस पोएम के अंदर 199 स्टेंजास हैं या फिर 1194 लाइंस हैं। तो दोस्तों इस पोएम के अंदर ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, और इसकी डिटेल स्टडी भी हम आगे करेंगे। अभी इस वीडियो में मैं आपको इतना बता रहा हूं कि वीनस एंड एडोनिस विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जो हेनरी रायदसली को डेडिकेट हुई थी, आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, और इसके फॉर्म जो है स्टेंजा की वो 6 लाइन के स्टेंजा में लिखी गई है। इसके अंदर 199 स्टेंजाज हैं, 199 स्टेंजाज हैं और 1194 लाइंस हैं, अगर हम लाइंस की बात करें तो। अब बात करते हैं रेप ऑफ लुक्रीस की। विलियम शेक्सपियर ने एक पोयम और लिखी थी, रेप ऑफ लुक्रीस। ये भी एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। विलियम शेक्सपियर ने 1593 और 94 में बहुत ही फेमस पोयम्स लिखी थी, ये उन्हीं में से एक है। ये एक पोयम है, नैरेटिव पोयम है, जो 1594 में आई थी। इसके भी डेडिकेशन की बात करें तो ये पोयम भी और हेनरी रायदसली को ही डेडिकेट है। इस पोयम के अंदर दोस्तों 47 स्टेंजास हैं, 47 स्टेंजास हैं, 7 लाइन का स्टेंजा है इसमें, और इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी सी सी। तो दोस्तों इसका भी आप ध्यान रखें, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 1594 में आई, हेनरी रायदसली को डेडिकेट थी, और राइम 7 लाइन के स्टेंजा को क्या बोलते हैं, राइम रॉयल बोलते हैं। इसके स्टेंजा की फॉर्म क्या थी, राइम रॉयल स्टेंजा। जो 7 लाइन का स्टेंजा होता है उसे राइम रॉयल स्टेंजा कहते हैं, और 47 इसमें स्टेंजास थे। इसकी जो राइमिंग स्कीम थी दोस्तों ए बी बी सी सी थी। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं ये लवर्स कंप्लेन की। लवर्स कंप्लेन भी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम थी। इसको विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स जब आई थी 1609 में, तभी पब्लिश कराया गया था दोस्तों। इसको भी थॉमस थोर्प ने पब्लिश कराया था। इस पोएम के अंदर विलियम शेक्सपियर की लवर्स कंप्लेन के अंदर 47 स्टेंजाज हैं, और इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी बी सी सी। तो ये सारी जो पोएम्स थी विलियम शेक्सपियर की, बहुत ही ज्यादा पोएम जो हैं ये फेमस पोएम्स हैं, और इनकी सारी चीजें जो ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनकी डिटेल स्टडी हम करेंगे जब हम वन बाय वन पोएम्स
पोएम्स को, प्लेस को कवर करते चलेंगे तो इनकी डिटेल स्टडी भी करेंगे, लेकिन जो जनरली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो इसी तरह के आते हैं, जैसे कि ए लवर्स कंप्लेंट किस तरह की पोएम है, ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, कब पब्लिश हुई थी, 1609 में पब्लिश हुई थी, किसने पब्लिश कराई थी, थॉमस थोर्प ने कराई थी, कितने स्टैंजास हैं इसमें, 47 स्टैंजास हैं, 7 लाइन के स्टैंजा को क्या कहा जाता है, राइम रोयल कहा जाता है, मैंने अभी पिछली स्लाइड पे ही आपको बताया था कि 7 लाइन स्टैंजा इज कॉल्ड राइम रोयल स्टैंजा, राइट, तो राइम रोयल स्टैंजा की फॉर्म में ये लिखी गई थी और इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी बी सी सी। तो दोस्तों ये थी ए लवर्स कंप्लेंट की डिटेल, इसकी डिटेल स्टडी जो होती है लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन वो हम बाद में करेंगे, अभी हमें ये जानना है इसके बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं विलियम शेक्सपियर के प्लेस की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्कॉलर्स मानते हैं विलियम शेक्सपियर ने प्लेस लिखे थे। विलियम शेक्सपियर के बहुत ही उम्दा किस्म के प्लेस थे जो विलियम शेक्सपियर ने अपने स्टार्टिंग में हिस्ट्रीज लिखनी स्टार्ट की थी, इसके बाद इन्होंने कॉमेडीज और सबसे बाद में इन्होंने ट्रेजिडीज लिखना स्टार्ट किया। विलियम शेक्सपियर अपने प्लेस को इस तरह से लिखते थे जो समय की डिमांड होती थी, कि वो सिचुएशन देखते थे कि अभी किस तरह का माहौल चल रहा है और मुझे किस तरह के प्ले लिखने चाहिए, तो वो उसी तरह के प्लेज लिखते थे, जोनर जो था उसी तरह के सेलेक्ट करते थे वो, कि अभी ट्रेजिडी लिखनी चाहिए मुझे। जब विलियम शेक्सपियर ने ट्रेजिडीज लिखना स्टार्ट किया तो वो बहुत ही ज्यादा फेमस हुए, उनकी ट्रेजिडीज को बहुत ज्यादा पसंद किया गया, क्योंकि वो ट्रेजिडीज किस तरह की लिखी हुई थी, वो ट्रेजिडीज इस तरह की लिखी गई थी जो समाज में चीजें होती हैं, जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ऐसी चीजें समाज में होती हैं। विलियम शेक्सपियर ने उसी तरह के प्लेज बनाए ट्रेजिडीज के, वो बहुत ही ज्यादा फेमस हुए प्ले। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर ने अपने इनिशियल, जब उन्होंने स्टार्ट किया था इनिशियल टाइम में, अपनी एक ट्रिलोजी भी लिखी थी। उस ट्रिलोजी के अंदर दोस्तों किंग हेनरी सिक्स्थ एंड रिचर्ड थर्ड उसमें लिखा गया था, जो उन्होंने स्टार्ट में ही लिख दिए थे, 1589 एंड 1591 के बीच में उन्होंने लिखा था। लेकिन जब विलियम शेक्सपियर ने लास्ट में द टू नोबल किंग्समैन, ये एक प्ले है जो जॉन फ्लेचर के साथ में कोलाबरेशन में करके लिखा था, ये इसी ट्रायलॉजी का पार्ट है। दोस्तों ये एक ट्रिलॉजी है जिसके दो शुरुआती प्ले लिखे गए थे 1589 एंड 1591 के बीच में, और जो इसका लास्ट थर्ड प्ले है जो इंक्लूड किया गया था इस ट्रिलॉजी में, वो कब लिखा गया था, 1612 और 1613 के बीच में, जब विलियम शेक्सपियर अपने रिटायरमेंट के टाइम पे ही चल रहे थे। तो दोस्तों वैसे विलियम शेक्सपियर का जो इंडिविजुअली वर्क है जो इन्होंने लिखा था लास्ट वर्क, उसको टेम्पेस्ट को माना जाता है, स्वानसोन टेम्पेस्ट को ही कहा जाता है। तो दोस्तों ये इनका जो वर्क था, कोलाबरेशन वर्क था, ये द टू नोबल किंग्समैन जो वर्क है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, वो विलियम शेक्सपियर के 37 प्ले में इंक्लूड नहीं होता है। अगर हम इसे भी इंक्लूड करते हैं तो विलियम शेक्सपियर के 38 प्ले हो जाते हैं। इसको इंक्लूड क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ये एक कोलाबरेशन वर्क है जो जॉन फ्लेचर के साथ में आया था। दोस्तों मैंने आपको बताया कि विलियम शेक्सपियर ने कितनी सोनेट लिखी, सोनेट किस तरह की पोएम होती है, कितनी लाइंस हैं विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स में, क्या उनके एक्सेप्शंस हैं, क्या राइमिंग स्कीम है, उनकी फेमस पोएम्स के बारे में मैंने बताया और आपको उसके प्लेस के बारे में बताया। तो इस वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें कवर की हैं, लेकिन इनकी पूरी डिटेल्ड स्टडी अभी हमने नहीं की है। आज ये हमारी डेमो की सेकंड वीडियो है। अब आगे से मैं विलियम शेक्सपियर के प्लेस को, जो पोएम्स हैं उनको वन बाय वन स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल डिटेल में उनकी सारी चीज़ें हम देखेंगे कि क्या जोनर है उसका, कब वो लिखी गई कोई प्ले है, कब लिखा गया, कब पब्लिश कराया गया, कहाँ उसकी सेटिंग है, सारे के सारे की फैक्ट उसके देखेंगे, कोई चीज़ नहीं छूटेगी, आपको उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें, सब चीज़ का सलूशन यहाँ पे दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।